दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 4 जून 2019 आज के हमारे संभाषण का विषय है अब भारत में क्या होगा, क्या उस तथाकथित नास्त्रदमस वाली आत्मा का उदय होगा। देखो ये दिखाई दे रहा है, अब भारत में क्या होगा, क्या उस तथाकथित नास्त्रदमस वाली आत्मा का उदय होगा, या फिर ये कोई कपोल कल्पना है। आज हम देखते हैं कि भारत में संसद के चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है। जब हम ये विचार करते हैं तो हमारे सामने एक ट्रायंगल प्रकट होता है, षड्यंत्र। उसमें ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं। ए है अवर पीएम प्राइम मिनिस्टर प्लस मनुवादी फोर्सेज, बी है एंटी मनुवादी फोर्सेज लाइक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एटसेट्रा, सी है थर्ड फोर्स, ये अनसीन फोर्स है, अदृश्य फोर्स है, पावरफुल फोर्स है, ये कंट्रोलिंग फोर्स है। अब ये जो हम एबीसी तीन पॉइंट्स का अध्ययन करें तो अब ये इससे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिरकार अब क्या होगा, ये क्या चीज है। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस मनुवादी फोर्सेज। तो हमें इनका देखना है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनका विचार कैसे रहे हैं, उनकी बॉडी कैसी रही है, उनका पिछला कार्यकलाप कैसा रहा है, क्योंकि उसी आधार पर ये होगा कि आगे वे क्या करेंगे। उसके अलावा क्या है कि प्रधानमंत्री जैसे भी हों, उनको सपोर्ट करने वाले फोर्सेज जो मनुवादी फोर्सेज हैं या कोई दूसरे फोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल फोर्सेज हैं, वो कैसे हैं, वो उनसे जो काम कराते हैं उनका उन पर कितना प्रभाव है। इससे पता चलता है कि वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि एंटी पीएम एंटी मनु फोर्सेज हैं आजकल जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक बात निकल कर निष्कर्ष ये आती है कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी में जीत गए, ये एक अलग डिस्कशन है कि वो फाउल फोर्सेज से जीते हैं कि सही रास्ते से जीते हैं। जीते तो हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब आखिरकार हमारा प्रश्न ये कि अब आखिरकार होगा क्या अगले 2-4 सालों में। देखिए जो ए पॉइंट है ये बताता है, ये क्या बताता है कि प्रधानमंत्री और मनुवादी फोर्सेज। अब इसके फिर तीन पॉइंट्स हैं, ये फलते फूलते हैं, स्मार्टली फंक्शन करते हैं जैसा कि पिछले 5 सालों में किया, और ये डाउन हो जाते हैं, इनको तकलीफें होती है। इस एक पॉइंट के ये दो पॉइंट, फिर एक पॉइंट के जो तीसरा पॉइंट तीसरा है वो थर्ड पॉइंट है, अदृश्य अननोन। इसी तरह से तीनों फोर्सेज के इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन इनका दिखाई देता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय अब क्या करेंगे, और इसका इफेक्ट दूसरे सेगमेंट पर क्या होगा। हम अपनी भविष्यवाणी ये अलग से करेंगे कि क्या
हमारा अनुसार होने वाला है। अभी हम ये विवेचना कर रहे हैं, इस बारे में विवेचना कर रहे हैं कि अब क्या होगा और क्या उस तथाकथित नास्त्रिदमस वाली आत्मा का अब उदय होगा। अच्छा, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय और मनुवादी फोर्सेज यदि फलते फूलते हैं, यदि फलते फूलते हैं तो दूसरी तरफ जो बी वाले फोर्सेज हैं उनको तकलीफ होगी। मेरा मतलब कि मनुवादी फोर्सेज के अच्छे दिन होते हैं तो एंटी मनुवादी फोर्सेज के बुरे दिन होंगे। यदि इसी तरह से चलता रहा है तो देश में हाहाकार मचने की संभावना प्रबल होती है, ग्रह कलेश की, बेरोजगारी की और बीसों तरह की तकलीफों की देश दुनिया में पैदा देश में पैदा होगी। और यदि प्रधानमंत्री और मनुवादी फोर्सेस नहीं फलते फूलते हैं तो क्या होगा कि इनके इनके कैबिनेट को और इनको झटके लगेंगे, ये कुछ झंझटों में फंसेंगे, ये जेल जा सकते हैं, इन पर आक्रमण हो सकता है, इनकी बदनामी हो सकती है या फिर और कोई कारण ऐसे हो सकते हैं जो इनको डाउन करें। यदि ये डाउन होते हैं तो एंटी मनुवादी फोर्सेज फलेंगे फूलेंगे, जिनको मानवतावादी फोर्सेज भी कहा जाता है। तो ये दोनों का क्लेश होगा, ये ऐसे ही फलने फूलने वाले नहीं है और ऐसे ही सर्वाइव नहीं करने वाले, इन दोनों का क्लेश होगा। और इस क्लेश होने में एक भयानकता है, एक तकलीफ है, एक युद्ध है, क्योंकि ऐसे कोई पक्ष हारने वाला नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि या तो भारत के दो अगले 2-5 सालों में भयानक दिन आने वाले हैं, जैसे कि कोई ग्रह युद्ध, कास्ट स्ट्रगल, भयानक बेरोजगारी और भयानक तरह की तकलीफें, या फिर हम ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं कहते हैं कि क्या इनका कोई और रास्ता नहीं है, तो थर्ड फोर्स हमारे सामने आता है। थर्ड फोर्स ये अदृश्य फोर्स है, ये कंट्रोलिंग फोर्स है, जो हम दो फोर्सेज इस दुनिया में काम करते हुए देखते हैं, इनके अलावा तीसरा फोर्स है जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हम इस बारे में जो डिटेल अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सामने प्रकट होता है, हमारे सामने ये तथ्य प्रकट होता है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई थर्ड फोर्स ही इस देश को अब बचा सकती है। और हमें लगता है कि कहीं वो नास्त्रेदमस वाली भविष्यवाणी सत्य सिद्ध तो नहीं होने जा रही है। कोई ऐसा एक बुद्धिमान, एक अति बुद्धिमान व्यक्तित्व आकर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, वो प्रकट हो सकता है, जो इन मनुवादी फोर्सेज को, इन पीएम को कह दे कि चुप बैठ जाओ, जो इनको एंटी मनुवादी फोर्सेज को, एसएससी ओबीसी, इनको भी कह दे कि जरा शांति रखो, ऐसे होगा वरना दोनों का नुकसान है। इसलिए हमारे निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें ये लगता है कि अगले 2-4-5 सालों में वह शक्ति, वह एंटिटी, वो नास्त्रेदमस वाली आत्मा अवश्य ही भारत में प्रकट होगी। भारत के लोग भाग्यवादी रहे, वो ऐसे प्रकट नहीं हो जाएगी कि जैसे अवतार हो गया और सब उसके पीछे पीछे, जैसे हम कपोल कल्पना प्राण इत्यादि में करते हैं, ऐसे नहीं। उसको वो संघर्ष कर रही होगी और उसको अपने को स्थापित करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो जाए और ईश्वर करे ये थर्ड फोर्स वाली आत्मा ही आए और सबका उद्धार हो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।